खबा गणी सा राम राम सा आप देखनो शुरू कर चुका हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता आपरे साथ ये वक्त रही बड़ी खबर। एसआई परीक्षा 2021 में हुई धांधली से जुड़ी है, जिसमें जांच के बाद अब एक और बड़ो खुलासा हुआ है। रुपया देकर एसआई बनबा वाला एसआई अंकातो शैक्षणिक दस्तावेज में भी हेर फेर है। जयपुर में एसओजी द्वारा गिरफ्तार कराया गया 14 एसआईया का शैक्षणिक दस्तावेज की प्रारंभिक जांच करी गई तो डिग्रिया के रिकॉर्ड में हेर फेर होने पायो गयो, जिसके चलता एसओजी 40 एसआई ने चिन्हित कराया है, जामे से 23 एसआईया की डिग्रिया फर्जी मिली है। अब एसओजी अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। बटे ही एफएसएल की टीम गिरफ्तार 14 एसआईया का हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग का नमूना लेबा में जुटी हुई है। जयपुर में जांच के दौरान सभी से खुद का 32 हस्ताक्षर करवाने के साथ पैराग्राफ लिखवाया जा रहा है। एडीजी वीके सिंह बताया कि ओएमआर सीट परीक्षा में उपस्थित रजिस्टर फॉर्म पर करवाया गया हस्ताक्षर की जांच के लिए अन्य हैंडराइटिंग का नमूना लिया जा रहा है। गौरतलब है कि पकड़ा गया 14 ट्रेनी थानेदार 12 मार्च तक रिमांड पर है। एसओजी बां से एसआई पेपर लीक ने लेर विस्तार पूछताछ कर रही है। एडीजी वीके सिंह और भी बताया कि पेपर गिरोह के पास इतना रुपया कठे से आया और बेबा रुपया ने कठे खपाया है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसआई मामला पर बोला कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करबा वाला के खिलाफ राजस्थान सरकार कार्रवाई कर रही है। 3 माह में ही अपराधियों से सांठ गांठ में उजागर करता हुआ बड़ी सफलता हासिल करी है। सीएम बोला कि इस कार्रवाई से बड़ा बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति भी जान ले कि अगर वो फर्जीवाड़ा से खुदरा रिश्तेदार ने सरकारी नौकरी दिलाई है तो सरकार बिने भी छोड़ने वाली नहीं है। सीएम रो प्रभावशाली व्यक्तियों से इशारो कुंडरी तरफ है, आबाद आपा बखूबी समझ सका। अभी जो एसओजी की कार्रवाई चल रही है बिने देखता हुआ एक और बात का संकेत मिल रहा है कि एसओजी पिछली बार सारी परीक्षा की जांच कर सके, जहां में धांधली की गुंजाइश लग रही है, यानी पुराना फर्जीवाड़ा का भी सारा काला चिट्ठा खुल सके। मिली जानकारी के मुताबिक आपने बता दूं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मई 2011 में आयोजित कराई गई एसआई भर्ती परीक्षा 2010 में भी जगदीश विश्नोई ने गैंग नकल करवा कर धांधली करी है। तब प्लाटून कमांडर सहित कुल 572 पदा पर परीक्षा हुई, जिमे से 370 को एसआई पर चयन हुयो। बामे से चयनित 138 एसआई पर सवाल उठा। जगदीश गैंग रो हाथ होने की बात सामने आबा के बाद एसओजी 2014 में जगदीश ने गिरफ्तार करियो हो। फिर जगदीश ने पूछताछ में पता चलो कि बीकानेर संभाग में बीकानेर निवासी पोरव और तुलसाराम, जोधपुर संभाग में कुछ जगदीश और जालोर निवासी विष्णुराम और जयपुर क्षेत्र में दौसा निवासी चंद्रकांत मीणा नकल गैंग बना रखी ही, जो ब्लूटूथ से नकल करवाने में सक्रिय है। 2014 में एसओजी ने गिरफ्तारी के समय जगदीश गिरोह से नकल करवाबा के लिए उपयोग में लिया गया संसाधन मिला है। भी समय भी एसओजी जगदीश पर कोई बड़ो एक्शन नहीं लियो हो, जिसके बाद जगदीश नकल करवाने रो तरीको बदल कर व्हाट्सएप के माध्यम से खुदरी गैंग के साथ पेपर लीक करवानो शुरू कर दियो, बिने फायदो मिलियो और 2018 के बाद वो खुदरे नाम की सिम और मोबाइल फोन रो उपयोग ही नहीं करियो। ऐसा ही मामला में फिलहाल एसओजी की टीम गहन जांच पड़ताल कर रही है, मुख्य आरोपी भी तलाश करी जा रही है। अभी के लिए इतो ही। मामला में आगे माने जो भी अपडेट मिली वा मैं आप तक पहुंचाता रहे। राजस्थान री खबर आपरी खुद री मातृभाषा राजस्थानी में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको मीडिया ने, क्योंकि झलको आप तक पहुंचावे है हर खबर आपकी भाषा में। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणी सर।